उच्चतर शिक्षा के मामले में बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा राज्य विधायिका अधिनियम 9 के तहत वर्ष 2003 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के सिरसा स्थित क्षेत्रीय केंद्र को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के रूप में विकसित किया गया। विश्वविद्यालय को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सिरसा तथा आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना था। विश्वविद्यालय शुरुआती दौर से लेकर अब तक सैकड़ों देश के नामी ग्रामी हस्तियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा चुका है। इसी पथ पर चलते हुए विद्यार्थियों को अनेक प्रकार से उत्तम व गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालय जहां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की ओर जोर देता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा की आधुनिक प्रणाली को भी व्यवहार में लिए हुए है। सैटेलाइट एजुकेशन सिस्टम तथा इंटरनेट की सुविधा विद्यार्थियों को आधुनिक युग से जोड़े हुए है। विश्वविद्यालय के संपूर्ण क्षेत्र को इंटरनेट की वाईफाई प्रणाली से जोड़ा गया है। विश्वविद्यालय की सुंदरता देखते ही बनती है। परिसर में लगे हरे वृक्ष विश्वविद्यालय की शोभा को बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी ओर पार्कों में बिछी हरी घास व फूल मनमोहक दृश्य पेश करते हैं। गेट के पास लगी त्रिवेणी धार्मिक आस्था के साथ संस्कृति को बढ़ावा देती है। हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर्बल पार्क लगाया गया है। परिसर में कई जगह विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा की गई है। परिसर की सफाई विश्वविद्यालय की सुंदरता को बरकरार रखे हुए है। विश्वविद्यालय करीब 213 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके मुख्यतः दो गेट हैं। गेट नंबर 1 जो बाईपास हाईवे पर स्थित है, तथा गेट नंबर 2 जिला न्यायालय की तरफ बरनाला रोड पर स्थित है। सुरक्षा के लिहाज से दोनों गेटों पर 24 घंटे गार्ड मौजूद रहते हैं। बात करें एकेडमिक सिस्टम की तो विश्वविद्यालय में 16 विभागों द्वारा 38 कोर्स करवाए जाते हैं, जिनमें बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लॉ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विभाग शामिल है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा 2003 में स्थापना में आई। इस यूनिवर्सिटी का नाम जननायक चौधरी देवीलाल जी के नाम पर रखा गया, जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और जब से ये विश्वविद्यालय स्थापना में आया है, इस एरिया के एजुकेशनल नीड्स को पूरा कर रहा है। उन एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए कई तरह के टीचिंग डिपार्टमेंट्स इसमें स्थापित किए गए। कोर्सेज के तहत सभी तरह की सुविधाएं इस विश्वविद्यालय में प्रदान की गई हैं, न केवल एकेडमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए सभी तरह की सुविधाएं, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड हों, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड हों, वो सभी ये विश्वविद्यालय प्रदान कर रहा है। डिजिटल इंडिया के कंसेप्ट को लेकर के ये विश्वविद्यालय सभी तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने में लगा हुआ है। और इसके तहत 2017 से विश्वविद्यालय ने फैसला लिया है कि एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ है। 2017 से जितने भी विद्यार्थी यहां पर एडमिशन लेंगे, उनकी सारी कार्रवाई ऑनलाइन की जाएगी। दैट मीन्स फ्रॉम द डे 1 द स्टूडेंट एडमिटेड इन द यूनिवर्सिटी एंड
अप टू द लास्ट डे ही लीव्स द यूनिवर्सिटी एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन फॉर द स्टूडेंट्स। डिमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट था, वो हमारे पास एक नई चुनौती लेकर आया जिसका नाम है कैशलेस सोसाइटी। हमारे विश्वविद्यालय में भी उस कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत 5 हमने ऑलरेडी जो पोज मशीनें हैं वो ऑलरेडी लगा दी हैं। हमारी ट्रांजैक्शन चेक्स के थ्रू होती हैं, ड्राफ्ट्स के थ्रू होती हैं। अभी कैश का प्रावधान भी रखा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हम इसको पूर्णतः कैशलेस की तरफ लेकर के जाएंगे। कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात है, हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे बढ़ चढ़ कर उनमें भाग लेते हैं, और इसी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हमारी हरियाणवी ग्रुप डांस की टीम, जो लड़कियों की टीम, लास्ट ईयर उन्होंने सेकंड पोजीशन प्राप्त की नॉर्थ जोन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। एक तरह से यह विश्वविद्यालय बच्चों के संपूर्ण विकास में योगदान दे रहा है, और ये हमारा जो विश्वविद्यालय जितने भी टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हम पूरी देते हैं, जो कि रिक्वायर्ड है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में हो, चाहे टेक्निकल के फॉर्म में हो, चाहे किसी भी तरीके की सपोर्ट उनको चाहिए होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, वो उनको प्रदान करती हैं। फर्दर हमारा एक और प्लान है कि इस विश्वविद्यालय में कुछ नए कोर्सेज भी हम खोलना चाह रहे हैं, तो नए सत्र से हम उम्मीद करते हैं 6 या 7 कोर्सेज, जिनमें कि लैंग्वेजेस के कोर्सेज होंगे, सोशल साइंसेज के कोर्सेज होंगे, म्यूज़िक एंड आर्ट्स के कोर्सेज होंगे, उनको हम नए सत्र से शुरू करने का प्रावधान रख रहे हैं।